भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे से जोगिंदर नगर की जनता को बड़ी आशाएं हैं। जनता को ये भी आशा है कि उनके द्वारा जोगिंदर नगर बस डिपो की गई घोषणा कागजों के मकड़ जाल से बाहर निकलकर धरातल पर नजर आएगी। ये बात नगर परिषद उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री बस डिपो की घोषणा कर गए थे तथा आनन फानन में कुछ बसों में जोगिंदर नगर डिपो का नाम भी लिखकर लोकसभा के पिछले चुनावों में श्रेय लेकर वोट बटोरने का काम किया गया, परंतु चुनावों में भारी जीत मिलने के बावजूद कुछ महीनों में ही बसों से जोगिंदर नगर डिपो का नाम मिटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जनता को दिए गए इस बड़े धोखे पर स्थानीय भाजपा नेताओं को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के जोगिंदर नगर दौरे का जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता स्वागत करती है और वो उनसे आशा करती है कि जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास एक नए आयाम को छुए, इसके लिए जो है वे धरातल पर जो है अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य तो करेंगे ही, अपितु नई योजनाएं भी जोगिंदरनगर की जनता को समर्पित करेंगे। इस दौरे के दौरान मैं माननीय मुख्यमंत्री को ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि जब वे प्रदेश के मुखिया बने, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए और उसके पश्चात पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान वे जोगिंदरनगर के पुराना मेला मैदान में ऋतु रंगमंच पर वो पधारे और जनसभा के दौरान जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को भी वे एक बार समीक्षा करें और ये देखें कि उनके द्वारा की गई घोषणाएँ क्या आज वह धरातल पर उतर पाई हैं अथवा नहीं उतर पाई हैं। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि बस डिपो जोगिंदरनगर की जो घोषणा उन्होंने उस मंच से की थी वो उनके उस दौरे के समाप्त होने के पश्चात तो कुछ बसों में जोगिंदरनगर बस डिपो का नाम लिखा गया, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के भारी मतों से विजयी होने के पश्चात कुछ ही महीनों में वो बसों पर लिखा हुआ जोगिंदरनगर बस डिपो भी मिटता चला गया और आज वर्तमान में जोगिंदरनगर बस डिपो का एक मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी कोई यहां पर औचित्य नहीं दिखता है, ना ही कोई जोगिंदरनगर बस डिपो नाम का कोई ऐसा कार्य यहां दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि उसी रोज उस जनसभा के दौरान उन्होंने हमारे जोगिंदरनगर बस स्टैंड को चौड़ा करने के लिए लोक निर्माण विभाग का जो स्टोर बस स्टैंड के साथ लगता है उसको अधिग्रहण करने की घोषणा भी की थी, लेकिन आज जोगिंदरनगर की जनता देख रही है कि माननीय मुख्यमंत्री की दूसरी घोषणा ये भी जो है धरातल पर नहीं उतर पाई है और जबकि मुख्यमंत्री के पास स्वयं लोक निर्माण विभाग वे खुद देख रहे हैं, ऐसे में उस भूमि का अधिग्रहण मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार न कर पाना मैं समझता हूं कि प्रशासन और सरकार का एक बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। इसी तरह मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि इसी मंच से आपने जोगिंदरनगर स्थित बी फार्मा जो कॉलेज है जो एक सोसाइटी के अंतर्गत चल रहा है उसको सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने की आपने घोषणा की थी। इससे हमारे जो बच्चे वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कोनों से और जोगिंदरनगर कंस्टिट्यूएंसी के विभिन्न गांव से जो लोग बच्चे वहाँ पर बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं और जो अध्यापक उनको शिक्षा दे रहे हैं उनको अपने भविष्य के प्रति एक आशा मुख्यमंत्री की इस घोषणा से जगी थी, लेकिन आज तीन वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के पश्चात भी आज बी फार्मा का सरकारीकरण और उसका अधिग्रहण करने को जो है वो वहाँ के छात्र और शिक्षक जो है राह ताक रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जोगिंदरनगर के प्रशासन के द्वारा आपकी पद और गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और आज लोक निर्माण विभाग के द्वारा बगला मोलडुक और रोपड़ी जो सड़क है जो पहले से बनी हुई है और जिस पर 3,30,000 रुपए से जो अपग्रेडेशन का कार्य होना है ऐसी सड़कों का भी जो है शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री से इस दौरे में करवाने वो विभाग जा रहा है।
जो कि मैं नहीं समझता एक मुख्यमंत्री की पद और गरिमा को जो है कहीं भी वो जजता है। इसी प्रकार स्पैडू लंघा गढ़वान सड़क का भी जो है अपग्रेडेशन का कार्य 4.73 लाख से जो है लोक निर्माण विभाग जो है उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री से करवाने जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के कार्य जो है वो मुख्यमंत्री से शिलान्यास करवाने वाले नहीं हैं और उनकी पद और गरिमा के अनुसार वो शिलान्यास नहीं आते हैं। ये दोनों ही सड़कें पहले से बनी हैं और ऐसी सड़कों के अपग्रेडेशन के भी अगर मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये एक प्रकार की जो है इस मुख्यमंत्री पद की गरिमा को चोट पहुंचाने वाली बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आज जोगिंदर नगर की जनता आपसे ये मांग करती है कि सिविल अस्पताल जोगिंदर नगर में, सिविल अस्पताल लठभड़ोल में, PHC चौंतड़ा, PHC पंडोल, PHC मकरीड़ी, PHC द्रम्मण, इनमें जो खाली डॉक्टरों के पद पड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए और जो भी वहां पर टेस्ट की सुविधाएं हैं जनता को चाहिए उन्हें शीघ्र अति शीघ्र जो है उपलब्ध करवाने का जो है मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान जो है वो घोषणा करें। उनसे मेरा ये भी निवेदन है कि लठभड़ोल में जो कॉलेज भवन बनने को कई जमाने से लोग वहाँ पर राह तक रहे हैं उस कॉलेज भवन का भी शीघ्र निर्माण करवाया जाए। साथ ही लठभड़ोल में ITI भवन का निर्माण शीघ्र शुरू करवाया जाए। साथ ही हमारी ये मांग है कि जोगिंदर नगर में एक ऐसा कोई बड़ा शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री करे, जैसे कि आयुर्वेदा विश्वविद्यालय, क्योंकि आयुर्वेदा विभाग के पास यहाँ पर सैकड़ों बीघा भूमि जो है यहाँ पर उपलब्ध है और हमारे पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा जी का भी ये सपना था और उन्होंने लोगों को ये सपना दिखाया था कि वे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जो यहाँ पर खुलवाएंगे। तो मुझे आशा है कि उनके मित्र जो जयराम ठाकुर जी हैं वे उनकी घोषणा को उनके मरणोपरांत जो है पूरा कर जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य जो है इस दौरे के दौरान जो है मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि जो आपने जो ये पिछले दौरों के दौरान जो घोषणाएं की है उसकी एक बार पुनः समीक्षा करें और जो घोषणाएं पूरी होने को रहती हैं उन घोषणाओं को पूरा करें और जोगिंदर नगर में जो है विकास की दृष्टि से जो है आप जोगिंदर नगर को आगे बढ़ाने का काम करें, विकास को गति प्रदान का काम करें। ऐसी आपके इस जोगिंदर नगर दौरे से हमें ये आशा है। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद।